तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूं ना, इसकी रिक्वेस्ट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर मैं अपने कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखकर सर्च करूं तो इसके नाम के साथ इतने कमेंट्स मिलते हैं जिनकी गिनती यूट्यूब ने खुद करने से इनकार कर दिया है। खैर, इस प्रोडक्ट का नाम है बायोफेड स्किन लाइटनिंग सिस्टम। वाह, अल्ट्रा वाइटनिंग विथ एंटी ऑक्सीडेंट। ये 30 ग्राम की ट्यूब मुझे बड़ी ओखी फार्मेसी से मिली है 895 रुपीज में। ओखी इसलिए कह रही हूँ कि बाल छोटे स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है और सारा इंटरनेट भी छान मारा, ऑनलाइन भी नहीं है क्योंकि मेडिकेटेड है भाई और डॉक्टर्स ही इसे प्रस्क्राइब करते हैं। अब फिर से प्लीज ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने पैसे लिए हैं कंपनी वालों से और रिव्यू कर दिया। मेरे ओल्ड व्यूवर्स जानते हैं कि मैं पेड रिव्यूज नहीं करती। जिंदगी में एक ही स्पॉन्सर वीडियो किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का नहीं था। आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब जहाँ से वीडियो दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मैंने इस्तेमाल करने से पहले यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई के बताइए अगर आपने यूज की है तो कैसे रिजल्ट्स मिले आपको। तो मैंने तमाम कमेंट्स को डीपली एक एक करके पढ़ा, काउंट किया और 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कुछ लोगों ने कहा कि पिगमेंटेशन स्किन लाइटनिंग या ब्लेमिशेस में बहुत अच्छे से काम करती है। कुछ ने ये कहा कि बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं मिले और कुछ व्यूवर्स ये भी कह रहे थे कि इस्तेमाल करते रहें तो ठीक और छोड़ देने के बाद स्किन वैसे ही हो जाती है। इस जीवन में मेरे पास 650 कमेंट्स यूट्यूब पर, 100 फेसबुक पर और 110 इंस्टाग्राम पर रिसीव हुए। सबको कम्बाइन किया तो 150 लोगों ने कहा कि इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। 49 ने कहा कि कोई रिजल्ट नहीं मिले और 33 लोगों ने कहा कि छोड़ने के बाद स्किन वापस वैसे ही हो जाती है और बाकी सब ने लिखा कि आपकी बहन की आवाज़ बहुत प्यारी है। तो इतने सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस को ही देखें तो मज़ीद रिव्यू की ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा इन कमेंट्स से अखज़ की जाने वाली बातों का मुख्तसर जायजा लें तो उनमें हाईलाइटेड चीज़ें ये थी। जिन लोगों को सूट नहीं करती उनकी स्किन पर ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स हो जाते हैं। जिनकी स्किन मोर सेंसिटिव है वो लोग यूज़ ना करें। इसे मुसलसल यूज़ नहीं कर सकते, कुछ दिन ब्रेक ज़रूर देना चाहिए। एक्ने स्कार पर बहुत अच्छा काम करती है, अमूमन साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रिजल्ट्स 3 हफ्तों के बाद ही स्टार्ट होते हैं, वगैरह वगैरह। टिंक, जिनका नाम सबा है, लिखती हैं 5 साल से मैं ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तब से जब सिंटेक्स के नीचे ब्लू लाइन नहीं होती थी। इनका ये भी मानना है कि जिस पैक पर ब्लू लाइन नहीं थी वो ओरिजिनल थी, ये वाली तो 2 नंबर लगती है। टिंक, प्लीज़ थिंक। काफ़ी बातें तो आपको कमेंट्स से ही पता चल गई होंगी। अब अगर इसका मैं क्विक सा रिव्यू करूं तो सबसे पहली बात जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि ऑलमोस्ट तमाम कमेंट्स करने वालों ने ये बात लिखी थी कि हमें डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही रिकमेंड की, तो जाहिर है कि डॉक्टर की राय के बगैर यूज़ करना रिस्क हो सकता है। और अगर आप मेरी बात करें तो मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने इस क्रीम का रिव्यू किया है। बाकी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की बात करें तो नॉर्मल है। इंग्रेडिएंट्स वही एक नॉर्मल व्हाइटनिंग क्रीम वाले हैं, पढ़ने हो तो पढ़ सकते हैं। कलर इसका ऑफ वाइट सा है। टेक्सचर की अगर बात करें तो क्रीमी और सॉफ्ट सा है। व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती, नो स्टिकी, नो ग्रीसी। स्मेल इसकी काफी अच्छी है, आम पाकिस्तानी व्हाइटनिंग क्रीम जैसी नहीं है। आंखों के अराउंड डार्क सर्कल्स वगैरह पर यूज नहीं कर सकते, इरिटेशन होती है, मुझे भी हुई थी क्योंकि ये कोई आई क्रीम नहीं है। डार्क फ्रेकल्स पर काम नहीं करती बल्कि हल्की फुल्की पिगमेंटेशन पर इफेक्टिव है। बनाने वाली कंपनी वही है मोंटिस फार्मा, जिसने मैक्स लिप और व्हाइट बैलेंस इजाद की। प्राइस की बात करें तो ये 900 रुपए की है, बहुत महंगी है यार। असल में बायोफेड एक अमेरिकन ब्रांड है जो कि कमाल की यूनिक प्रोडक्ट है, महंगी भी बहुत है, यानी 5 से 6 हज़ार रुपए की ये क्रीम है। यहाँ पाकिस्तान में सिंटेक्स कॉस्मेटिक्स ने मोंटिस प्राइवेट लिमिटेड से इसे बनवाया, बायोफेड का ई रिमूव किया और मामूली फर्क के साथ मार्केट में डाल दी ताकि इंटरनेट पर कोई भी सर्च करे तो उसे रिव्यू अमेरिकन ब्रांड का ही मिले और वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाए। इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो मेरे इंडियन व्यूवर्स, सेम फार्मूलेशन में थोड़ा से फर्क के साथ एक मामा अर्थ के नाम से क्रीम मिलती है जो कि मेडिकेटेड नहीं है, वो यूज कर सकते हैं, जो कि ब्लेमिशेस और स्किन लाइटनिंग के लिए अच्छी फीडबैक रखती है। खैर, फिर भी अगर फीडबैक को देखें तो बेहतर है, मुझे पर्सनली भी ठीक ही लगी है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी बात रह गई है और जो रह गई है वो ज़रूरी नहीं है। बहुत उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक करना हरगिज़ मत भूलिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।